मुंबई के एक स्कूल ने कोरोना काल में मिसाल कायम की है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं जो बच्चों के नाम से स्कूल से काट रहे हैं, पर मुंबई के एक स्कूल ने अपने 65% बच्चों की साल भर की पूरी फीस माफ कर दी है। बाकी बचे हुए बच्चों से भी उतना ही फीस लिया जा रहा है जितनी उनके माँ बाप की क्षमता है। मुंबई के मलाड मालवणी स्थित होली स्टार इंग्लिश स्कूल में ज्यादातर गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल की फीस 350 रुपए प्रति महीना है, पर कोरोना महामारी में काम धंधे बंद हो जाने की वजह से अभिभावक फीस नहीं दे पा रहे थे। बहुत सारे लोगों को तो खाने तक के लाले पड़ गए। ऐसे बच्चों की इस स्कूल ने न सिर्फ फीस माफ की बल्कि स्कूल की तरफ से महीनों का राशन भी बांटा गया। ये सब कुछ संभव हुआ स्कूल के मालिक और प्रिंसिपल हुसैन शेख की वजह से। 35 साल के हुसैन शेख ने अपनी 1 साल की बेटी के लिए कराई 8 लाख रुपए की FD भी तोड़ दी ताकि वो अपने स्कूल को चला सके। स्टूडेंट से फीस नहीं लेने की वजह से स्कूल की माली हालत इतनी खराब हो गई कि हुसैन को अपने टीचरों को सैलरी देने के लिए और खुद का घर चलाने के लिए बीवी के गहने भी बैंक में रखने पड़े। हमने ये ध्यान दिया कि बच्चों के घरों में खाने के लिए नहीं था। हमारे पास पेरेंट्स जब पिछले बार लॉकडाउन लगा तो खाने की रिक्वेस्ट लेके हमारे पास आ रहे थे, तो हमने हमारे पास जो पैसे रखे हुए थे, जो मैंने अपनी बच्ची की FD के लिए रखा था, वो पैसा मैंने पूरा का पूरा, हमने 20,000 राशन की किट बांट दिया पिछले साल में। और जैसे ही अभी ये नया साल चालू हुआ तो इसके अंदर वापस स्कूल शुरू करने के लिए, टीचर्स की सैलरी वगैरह के लिए हमको कुछ ज़रूरत पड़ी, तो हमने उसके लिए मेरी वाइफ का हमने दागिने को गिरवी करके उस पैसे से हमने स्कूल चलाया, जो कि स्कूल की माली हालत नहीं इतनी ठीक नहीं थी कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हम खड़े हो पाए। स्कूल में 1500 स्टूडेंट हैं, उनमें से स्कूल ने करीब 1000 स्टूडेंट्स की 1 साल की फीस माफ कर दी है। बचे हुए 500 स्टूडेंट जो फीस दे सकते हैं उनकी फीस में भी 15% से लेकर 50% तक का कंसेशन दिया गया है। हुसैन ने इस काम के लिए अपने टीचरों को भी मनाया कि वो आधी सैलरी में काम करें ताकि गरीब बच्चों का स्कूल ना छूटे। मेरी बेटी फर्स्ट स्टैंडर्ड में है तो इन्होंने पूरा साल का फीस माफ किया और प्लस है ना मुझे पूरा साल राशन किट भी मिलता रहा मंथ वाइज जो भी रहता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब भी बंद हो चुकी थी और रेंट पे हम लोग रहते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा फीस हम मेरा पेंडिंग रह गया था, तो सर ने वो भी क्लियरली माफ कर दिए और प्लस ये साल का भी 1000 रुपीज उन्होंने छूट दिए है। यस सर, बिल्कुल। स्कूल ऑनलाइन चल रहा है लेकिन राशन बांटते हुसैन जमीन पर खूब एक्टिव है। तकरीबन 25,000 राशन की किट अपने स्टूडेंट्स के घरों में पहुंचा चुके हैं। गरीबों के बच्चे पढ़ सके इसके लिए हुसैन ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। वो कहते हैं कि 2-4 साल में पत्नी के गहने छुड़ा लेंगे, बेटी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए भी समय है। मगर इन गरीब बच्चों का नाम अगर स्कूल से कट गया और इन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला तो इनका ये वक्त लौट कर नहीं आएगा। आज तक ब्यूरो।